में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, गोवा के विधायक बीजेपी में चले गए, और पिछले 2017 में जब विधानसभा के यहाँ चुनाव हुआ था, जब तो यहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, 77 सीट कांग्रेस जीत के आई थी, आज 60 सीट पर है। तो बाकी एमएलए कहाँ चले गए? बीजेपी के गोद में बैठे हैं। तो आप बताओ कि बी टीम कौन है? गुजरात में भाजपा शासन को 27 साल हो गए, ये पहली बार होगा कि एमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन 27 साल से रोक नहीं पाए। अभी कांग्रेस की जो परिस्थिति है, कांग्रेस इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने आज तक सत्ता की मलाई ही खाई, मिलजुल कर ही मलाई खाई है, कोई सत्ता में रहकर कोई विपक्ष में रहकर। तो कांग्रेस अगर हम पर आरोप लगाती है कि हम कहीं रोकने में अड़चन डाले हैं, तो अभी तक क्यों नहीं रोक पाए? गुजरात चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदाबाद शहर यूथ प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किस तरह से तैयारी है और किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर रोका जाएगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, उन चीज़ों से कैसे ये जो है उभरेंगे। तो शाहनवाज साहब, पहले सवाल ये है कि किस तरह की तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा की जो तैयारी, हम पिछले सेम रह से लगे हुए हैं, विस्तार में लगे हुए हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो जगह जगह उन्हें प्रभारी बनाया गया है, वो लगभग तो तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी गुजरात आ रहे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, वहाँ पर भीड़ भी आती थी उन्हें सुनने और 100 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतारे थे, मगर जब रिजल्ट आया तो फिर वो वोट नहीं मिल पाया। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा कि उनको सुनने पब्लिक आएगी और वोट ना दे? देखिए, जब पिछले साल यहाँ पर कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था 2021 में, तो पार्टी आए सिर्फ 20 से 25 ही दिन हुआ था, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि हमने गुजरात में 24 कॉरपोरेटर जिता के भेजे थे। गुजरात चुनाव एक अलग है और यूपी चुनाव अलग है, तो मुझे लगता है जो यूपी में हुआ गुजरात में नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत कर उन्हें अपने उम्मीदवारों को विधानसभा भेजेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप जो है गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा, तो कांग्रेस हो या और पार्टी हो, वो ये कह रही है कि सब ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं। देखिए, मैं बी टीम की अगर बात करूं, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की अगर जो परिस्थिति है, अभी आपने पिछले साल पिछले कई दिनों से देखा होगा, मणिपुर में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, गोवा के विधायक बीजेपी में चले गए, और पिछले 2017 में जब विधानसभा के यहाँ चुनाव हुआ था, जब तो यहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, 77 सीट कांग्रेस जीत के आई थी, आज 60 सीट पर है। तो बाकी एमएलए कहाँ चले गए? बीजेपी के गोद में बैठे हैं। तो आप बताओ कि बी टीम कौन है? और अगर बी टीम अगर हमारे वजह से अगर ये कांग्रेस हार रही है, तो हम तो गांधीनगर में चुनाव नहीं लड़े, कॉरपोरेशन में चुनाव, वहाँ भी ख़त्म हो गई पार्टी। तो ये सब तो एक आरोप है। देखिए, हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के अंदर अब लड़ने वाला कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल जीरो है। जब तक ये पार्टी लोगों के मुद्दे नहीं उठाएगी, तो ये पार्टी सिर्फ ख़त्म हो जाएगी, किसी पर आरोप लगाए कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कई जगह ऐसे देखने को मिला कि जिसको जो है कांग्रेस बुरा बोलती है, सावरकर के बारे में कांग्रेस के नेता जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, वही सावरकर की तस्वीरें जो है बहुत सारी जगह देखने को मिली। क्या समझते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो आरएसएस को पैदा करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, और कहीं ना कहीं इनके दिल में वो तो चीज़ है, इन्हें मुसलमानों से कोई भी हमदर्दी नहीं है, इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना है, और आज तक उन्होंने सिर्फ यही करते आए हैं। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं हिंदूवादी तो है ही है, तो सावर की तस्वीर लगाए कुछ भी लगाए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस तरह से जो है आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप जो है वोट मांगने वाले हैं? देखिए, हमारी लड़ाई कभी भी सत्ता की नहीं रही है, हमारी लड़ाई सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर हम गुजरात में देखें, तो गुजरात में 10 से 11% आबादी मुसलमानों की है, तो हम उसको अगर परसेंटेज पे डिवाइड करें, तो 182 विधानसभा में कम से कम 20 एमएलए को मुसलमान होना चाहिए।
लेकिन होता यह है कि बीजेपी तो कभी कोई मुसलमान को टिकट देती ही नहीं, और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है क्योंकि हम उनको कभी वोट भी आज तक दिए नहीं। हमें उम्मीद हमेशा रही कांग्रेस से, लेकिन हमने हमेशा देखा कि कांग्रेस ने जब उम्मीदवार उतारने की बात आई मुसलमानों की, 5-6 उम्मीदवार देते थे, अगर आप 5-6 उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में उतारोगे तो 10-15 तो उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, मुसलमान तो विधानसभा जाएंगे नहीं। तो हमारी लड़ाई यही है कि अगर हमारी आबादी गुजरात में है तो हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ हिस्सेदारी की है, और जो भी मुस्लिम मुद्दे होते हैं आप देखते हो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसको उठाने में नाकामयाब होती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर होता है कि हम अगर अल्पसंख्यक के अगर मुद्दे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर है उनसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि हम जिसे जिता के भेजे वो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए। विपक्ष बोल रहा है कि भाजपा को रोकना है, गुजरात में रोकना है, 2024 में रोकना है, और रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी रुकावट है। असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट उतार कर बीजेपी को आसानी पैदा कर रहे हैं। गुजरात में भाजपा शासन को 27 साल हो गए, ये पहली बार होगा कि एमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन 27 साल से रोक नहीं पाए। अभी कांग्रेस की जो परिस्थिति है, कांग्रेस इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने आज तक सत्ता की मलाई ही खाई, मिलजुल कर मलाई खाई है, कोई सत्ता में रहकर कोई विपक्ष में रहकर। तो कांग्रेस अगर हम पर आरोप लगाती है कि हम कहीं रोकने में अड़चन डाले हैं, तो अभी तक क्यों नहीं रोक पाए? केजरीवाल गुजरात आए हैं और वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली जैसी जो है यहाँ पर चीज़ें होंगी, फ्री में बहुत सारी चीज़ों का वादा कर रहे हैं और रोज़गार की बात कर रहे हैं और बहुत सारी स्कीमों देने का जो है उनके वादे हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप? देखिए, वादा तो हम जहां तक जानते हैं कि सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वादा पूरा कौन करता है। और जहाँ तक हम केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, तो दिल्ली में इसी महीने में जो फ्री यूनिट देते थे ये बंद कर दिया है, यानी कि अब जो आवेदन देगा उन्हें ही फ्री मिलेगी। तो ये गुजरात के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप है। और ये जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, तो गारंटी कार्ड बांटने से क्या हमें सच में फ्री मिलेगी? ऐसा ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने 15 लाख के वादे किए, इसी तरह से ये भी एक चुनावी जुमला है। मतलब आपको भरोसा नहीं है केजरीवाल यहाँ के लिए कुछ करेंगे? पहली बात तो केजरीवाल तो यहाँ पर जीत ही नहीं पाएंगे, सिर्फ ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भाजपा के लिए काम करने आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं आरएसएस का एक हिस्सा है। तो ये सब चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी जुमले हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब आईबी की रिपोर्ट देखें या आप देखते हो कि जो नेशनल चैनल है ना, न्यूज़ चैनल, उसमें रिपोर्ट अलग आती है, तो सच्चाई क्या माने? सच्चाई तो जब चुनाव होंगे, पब्लिक के दिल में जो उतरेगा, तब पता चलेगा चुनाव रिजल्ट क्या होता है। ये यूथ प्रेसिडेंट अहमदाबाद शाहनवाज साहब थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाने वाली है और गुजरात में इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने विधायक जिताएगी, साथ ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जिस तरह से इल्जाम रखता है, तो इनका कहना है कि बीजेपी पहले ही 27 साल से यहाँ पर सरकार बना रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर लड़ रही है, उसको मुस्लिम विधायक और जो दलित समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, कोई जीते कोई हारे उससे इनको मतलब नहीं।